भारत में कई मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से एक है इलायची। इलायची बहुत ही स्वादिष्ट और सुगंधित मसाला है, जो चाय से लेकर खाने की विभिन्न डिशेस का स्वाद बढ़ा देती है। बाजार में बड़ी, छोटी, काली और हरी इलायची उपलब्ध होती है, जिसे हम अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदते और इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इलायची की खेती कैसे की जाती है और उसे फैक्ट्री में किस तरह से तैयार किया जाता है? अगर नहीं, तो इस वीडियो में आप इलायची की शानदार मेकिंग देख सकते हैं। इलायची की खेती और फैक्ट्री में मेकिंग प्रोसेस। भारतीय मसालों में इलायची का अपना एक उच्च पद है, जो स्वादिष्ट और सुगंधित होने के साथ साथ सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है। भारत में उगाए जाने वाले दूसरे मसालों की तरह इलायची को भी खेती के जरिए ही प्राप्त किया जाता है, लेकिन इसकी खेती काफी लंबी और मेहनत भरी होती है। इलायची की खेती मुख्य रूप से केरल में की जाती है, क्योंकि इसके पौधे को विकसित होने के लिए नम और छायादार जगह की आवश्यकता होती है। इलायची के पौधे को सीधा खेत में नहीं उगाया जाता है, बल्कि इसके पौधों को सबसे पहले नर्सरी में तैयार किया जाता है। इसके लिए हरी और काली इलायची में से उसके बीज निकाल कर अलग कर लिए जाते हैं, फिर उन्हें पानी में अंकुरित होने के लिए भिगो दिया जाता है। ऐसे में 24 से 48 घंटे तक पानी में भीगने के बाद इलायची के बीजों को छोटे छोटे गमलों में मिट्टी और खाद के मिश्रण में बो दिया जाता है, जबकि गमले को पर्याप्त मात्रा में धूप और छाया दिखाते रहना पड़ता है। इलायची के बीज को अंकुरित होने में लगभग 1 से 2 महीने का समय लगता है। इस दौरान पौधे को बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। जब इलायची का पौधा काफी हद तक बड़ा हो जाता है, तो उसे बरसात से ठीक पहले खेतों में बो दिया जाता है। इस तरह बारिश आने तक इलायची का पौधा मिट्टी में अच्छी पकड़ बना लेता है, जबकि मानसून के मौसम में उसे सिंचाई के लिए अच्छी मात्रा में पानी मिल जाता है। हालांकि इलायची का पौधा अच्छी तरह से विकसित हो जाने के बाद लगभग 3 साल तक फल नहीं देता है, इसलिए बाजार में इलायची की कीमत इतनी ज्यादा होती है और किसानों को उसके पौधे की खास देखभाल करनी पड़ती है। 3 साल बाद इलायची के पौधे में फल लगना शुरू हो जाते हैं, जो पेड़ की टहनियों के बजाय उसकी जड़ों के आसपास विकसित होते हैं। इलायची के पौधे में जब सफेद फूल आने लगते हैं, तो इलायची की फसल बिल्कुल तैयार हो चुकी होती है और उसकी सौंधी सौंधी खुशबू आसपास के इलाके में फैल जाती है। ऐसे में किसान इलायची के तैयार फल को पेड़ से तोड़कर अलग कर देते हैं, जिसके बाद उसे इकट्ठा करके फैक्ट्री ले जाया जाता है। इलायची का फल जमीन में लगता है, इसलिए इसमें कीड़े मकोड़े लगने का खतरा भी बना रहता है। इसलिए इलायची की खेती कर रहे किसानों को इस बात का ख्याल रखना होता है कि वह फलों के तैयार होते ही उन्हें पेड़ से तोड़कर अलग कर लें। इसके बाद पेड़ से तोड़े हुए फल को फैक्ट्री ले जाया जाता है, जहां उससे पहले उन्हें एक बड़े से कंटेनर में डालकर पानी से अच्छी तरह से धोया जाता है। इसके बाद धुली हुई इलायची के फल को एक बड़ी सी हीटिंग मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, ताकि उसमें मौजूद पानी को अच्छी तरह से सुखाया जा सके। इसके बाद इलायची को सुखाने के लिए एक दूसरी मशीन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां उसे बहुत ज्यादा तापमान में अच्छी तरह से गोल गोल घुमाकर पकाया जाता है। इस तरह कुछ घंटों बाद इलायची का कच्चा फल आग में पककर तैयार हो जाता है, जिसे एक बार फिर पॉलिशिंग मशीन में डाला जाता है, जहां इलायची का कच्चा फल पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जिससे उसके ऊपरी छिलके में चमकदार पॉलिश हो जाती है। इसके बाद गर्मा गर्म इलायची को फर्श में खुले में छोड़ दिया जाता है, ताकि वह अच्छी तरह से ठंडी हो सके। फिर ठंडी हो चुकी इलायची को एक बड़ी सी छन्नी में छाना जाता है, ताकि उसमें मौजूद गंदगी, डंठल और लकड़ी आदि को अलग किया जा सके। इसके बाद फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर इलायची को अलग अलग करने का काम करते हैं, जिसमें से बड़ी और अच्छी क्वालिटी की इलायची को अलग करके एक जगह इकट्ठा किया जाता है और छोटी इलायची को दूसरी जगह पर जमा किया जाता है। इसके बाद उस इलायची को वजन और क्वालिटी के हिसाब से पैक किया जाता है, जिसके बाद उसकी कीमत निर्धारित की जाती है। वहीं छोटी इलायची को अलग से पैक किया जाता है, जिसकी कीमत बड़ी इलायची के मुकाबले थोड़ी कम होती है। इसके बाद इलायची के पैकेट्स को अलग अलग जगह पर डिलीवर कर दिया जाता है, जिसमें बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर शॉपिंग मॉल और दुकानदार शामिल होते हैं। इस तरह नर्सरी में तैयार होने वाली इलायची का पौधा खेतों में विकसित होता है, जबकि उसका फल जड़ों में लगता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद इलायची को बाजार में बेचने के लिए भेजा जाता है, जिसकी शुरुआती कीमत करीब 1500 रुपए प्रति किलोग्राम तक होती है। इस तरह 3 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद इलायची हमारे और आपके किचन तक पहुंचती है, जिसकी वजह से इसकी कीमत अन्य मसालों के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इलायची की खेती कैसे की जाती है और उसे फैक्ट्री में किस तरह तैयार किया जाता है।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।